गाजीपुर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस की टीम ने टाइगर गैंग के सरगना को उसके साथी के समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट की मोटरसाइकिल, तमंचा और लूटी गई नकदी को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को बदमाश के खटिया बाबा नहर पुलिया के पास होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की और मुठभेड़ के दौरान सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए सरगना पर पुलिस की टीम ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। नीरज कुमार और जयहिंद कुमार की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। नीरज के ऊपर 25,000 का इनाम था। इनका तीन लोगों का गैंग था जो सड़क पे चलते हैं, मोटरसाइकिलों की लूट करते हैं। इसी क्रम में इन्होंने दो मोटरसाइकिल खानपुर थाना क्षेत्र और सैदपुर थाना क्षेत्र से भी लूट की थी, वो पुलिस ने बरामद की है। 26 तारीख को इन्होंने हमारे थाना क्षेत्र में एक सुनार के साथ लूट की थी। जिस सुनार के साथ लूट की थी उसने पहचान लिया है, माल भी हमने बरामद कर लिया है, कपल माल भी सुनार कर लिया था। और एक सीमेंट व्यापारी की दुकान में इन्होंने घुस के उसके साथ 20,000 रुपये की लूट की थी, वो पैसे भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। ये घटनाक्रम था, सभी लूटों का एवं मर्डर का खुलासा किया गया है। आपस में बंटवारे को लेकर तीनों का फिर विवाद हुआ, जो यहाँ लूट का माल था उसके बंटवारे को लेकर आपस में विवाद हुआ। इन लोगों ने मिलकर जो नीरज नाम का लड़का था उसके सिर में तमंचे का बट मारा, 2-3 प्रहार उसके किए। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है और पुलिस ने बदमाशों के बाकी साथियों की तलाश शुरू कर दी है। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।